गुड मॉर्निंग जी आप सबको। तो देखिए सुबह के बज रहे हैं अच्छे, और मैंने आटा लगा कर कर लिया है तैयार। और आटा लगाने से पहले मैंने गैस को और स्लेब को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर मैंने चाय बनाई। तो देखिए चाय बनाने के बाद मैंने सारे बर्तन रात के जो दूध के और सुबह के जो चाय के थे सारे साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ मैंने फ्रिज से ये मलाई निकाल के रख दिया, इसका मैं निकाल लूँगी। 8 बज गए हैं और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। नहाने से पहले मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने से पहले बेडशीट को अच्छे से झाड़ कर बिछा देती हूँ। तो देखिए अभी मैं इनको धोऊंगी तो नहीं। तो देखिए मैंने बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है, और ये दूसरे वाली बेडशीट भी मैं इकट्ठी करके इसको रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, और ये उनके कपड़े हैं जो कल मैंने प्रेस किए थे, तो सोचा पहले इनको भी रख देती हूँ। तो देखिए ऊपरले वाले ड्रॉर में मैं अनुज के कपड़े रखती हूँ, और नीचे वाले ड्रॉर में अंशिका के कपड़े रखती हूँ। ऐसे बच्चों को कपड़े निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। उसके बाद मैं ये वाली बेडशीट को भी अच्छे से बिछा दूँगी। तो देखिए मैंने इस बेडशीट को भी बिछा दिया है, और अब रख देती हूँ पिल्लो। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये कपड़े जो और थे मैंने ये भी इकट्ठे करके रख दिए हैं साइड में। उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी, सोफ़े पर भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है, उनको साफ़ कर दिया, और उनके कवर भी अच्छे से बिछा दिए हैं झाड़ करके। तो देखिए यह रोज़ का काम होता है। उसके बाद मैं आ गई लॉबी में, और लॉबी की ये बेड शीट भी मैं अच्छे से बिछा देती हूँ। उसके बाद ये चेयर्स के कवर भी बिछा देती हूँ। तो देखिए मेरा ये काम हो गया, और अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और यहाँ बैठे हुए हैं अनुज के पापा, तो हम कुछ बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे पहले नाश्ता बना लेती। मैंने कहा अभी कोई नाश्ता नहीं कर रहा है, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, एक काम तो हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा जब तक मेरा नाश्ता बनेगा तब तक ये घी भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ अनुज के पापा मंदिर में कर रहे हैं पूजा, और इधर अंशिका बैठी हुई है, इसकी ऑनलाइन क्लास लग रही है। चलिए देखते हैं दूसरे रूम में अनुज क्या कर रहा है। ये देखिए अनुज यहाँ लेटा हुआ है, कैसे लेटा हुआ है देखिए, और ये कुछ फ़ोन में फनी वीडियो देख रहा है। बच्चे भी क्या करें, कब तक पढ़ें, कभी पढ़ते हैं कभी टाइम पास के लिए फ़ोन देखते हैं। तो देखिए मैं आ गई थी इसके बाद किचन में। तो देखिए ये मैंने मलाई से घी मक्खन निकाल लिया है, और इसको मैं अब थोड़ा सा धो लूँगी, क्योंकि ना इसमें दूध जो रह जाता है फिर वो ना बर्तन में लग जाता है, इसलिए मैं इसको धो लेती हूँ। देखिए मैंने चढ़ा दिया है इसको गर्म होने के लिए गैस पर, और एक साइड में मैंने रख दिया है तवा। मैं देखिए रोटियाँ सेक रही हूँ, और हम लोग सिंपल रोटी खाते हैं, पराठा नहीं खाते, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है तो सिंपल खाना अच्छा है। तो देखिए ये मेरा घी उबल रहा है, और मैंने रोटियाँ बनाकर भी तैयार कर ली हैं। देखिए मैंने नाश्ता बना लिया है, और उसके बाद मैंने सारी स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, सबने नाश्ता कर लिया है। और देखिए ये निकल गया है घी, कितना अच्छा शुद्ध घी को मैंने डिब्बे में डाल दिया। तो उस सब में देखिए पानी डाल के रख दिया है। और ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, इनको मैं अच्छे से धोऊँगी। देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है, और ये मेरे मंदिर का कर्टन जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अंशिका नहा कर आ चुकी है, उसकी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स सुबह का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, अर्ली मॉर्निंग का। तो देखिए अब बज रहे हैं 11, और मैं आई हूँ छत पर, कुछ कपड़े धोने हैं। और तो मैं सोच रही हूँ ये कनक भी धो देती हूँ। तो देखिए इन इन वाले थैलों में तीनों में है गेहूँ हूँ, तो आज ये ऊपर वाला थैला मैं धोऊंगी, और ये पुरानी गेहूँ है, इसको हमने इसमें टंकी में से निकाल कर थैले में डालकर रख दिया था, और टंकी में हमने भर दी थी नई गेहूँ। कणक धोने से पहले मैंने सोचा मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैं कपड़े भिगो रही हूँ, और अब इनको मैं धोऊंगी, क्योंकि हाथों से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। तो देखिए मैंने कपड़े धो दिए हैं, अब इनको मैं सूखने के लिए तार पर डाल दूंगी। और देखिए आजकल कपड़े सूख भी जल्दी जाते हैं, और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, धूप भी बहुत तेज है। देखिए मैं जल्दी से कपड़े डाल देती हूँ, इसके बाद मुझे कनक भी धोनी है। दे
देखिए मैंने कनक को धो दिया है और अब मैं इसको डाल रही हूँ सूखने के लिए। अब मैं इसको सारी कपड़े के ऊपर ऐसे फैला दूँगी तो ये 2 दिन के अंदर ही सूख जाएगी। तो देखिए मैंने सारी कनक को कपड़े पर डाल दिया सूखने के लिए और इस पर पूरी आने रही थी तो मैंने दूसरा कपड़ा बिछा लिया है। और देखिए मेरी कनक धुलकर एकदम हो गई है साफ़ और मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। और कनक धोने के बाद मैंने यहाँ से भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं जाऊँगी नीचे क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है। सारा काम मेरा ऊपर का हो चुका है। तो देखिए मैं आ गई थी नीचे और मैंने चावल भिगो दिए हैं और इधर मैंने दाल भी भिगो कर रख दी है और गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। ये देखिए इसमें मैं दाल डालूँगी और ये मैंने चावल के लिए चढ़ा दिया। तो देखिए पानी मेरा पक गया है, अब इसमें डाल देती हूँ मैं दाल और सिंपल सी दाल बनाऊँगी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए दाल डालने के बाद इसके ऊपर जो ये वाइट वाइट सा झाग सा आ जाता है तो पहले मैं इसको अच्छे से निकाल दूँगी वरना फिर ये हमें नुकसान करता है। तो देखिए ये निकालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक और नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो देखिए मैंने हल्दी भी डाल दी है और हल्दी डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन कर दूँगी बंद और इसमें मैं लगाऊँगी 3 से 4 सीटी क्योंकि ये दाल जल्दी बन जाती है। तो देखिए इधर मेरा चावल का पानी भी पक गया है तो इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल और थोड़ी देर में ये चावल मेरे बन जाएंगे क्योंकि ये बारीक वाले चावल हैं जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए मैंने दाल के लिए मसाला कट कर लिया है, ये हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, लहसुन और ये रहा टमाटर। तो इन सबको मैं मिक्सी में डालकर पेस्ट बना लूँगी और अब मैं डालूँगी दाल में थोड़े से बेसिक मसाले, ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च और लाल मिर्च और यही सब बस मसाले मैं डालूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि सिंपल सी दाल ही अच्छी लगती है खाने में, ज़्यादा मसाले भी नुकसान करते हैं। तो देखिए मेरे चावल हो चुके हैं तो मैं इसको अब निकाल लूँगी इस प्लास्टिक के बाउल में क्योंकि मैं चावल ऐसे ही इसी में निकालती हूँ। देखिए इनका सारा मांड अच्छे से निकल जाता है। यहाँ मैंने गैस पर रख दी थी कढ़ाई और मेरा तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने हींग और जीरा डाल दिया है। हींग और जीरा चटक जाने के बाद मैंने ये जो मसाला का पेस्ट बना कर रखा था इसको मैंने डाल दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा। तो देखिए मेरी दाल कितनी अच्छी बनकर हुई है तैयार। तो मैं इसमें मसाला देखिए मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें तेल छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि ये पानी मैं गर्म करके जब उबाल आ जाएगा तो इसको मैं दाल के अंदर डाल दूँ। पानी में उबाल आ चुका है देख सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया था दाल के अंदर क्योंकि मुझे थोड़ी सी अपनी दाल ना गाढ़ी लग रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला। इधर अनुज के पापा आम काट रहे हैं सबके लिए। तो देखिए मैंने पानी डालने के बाद कुकर को गैस पर चढ़ा दिया और अब मैं इसमें लगवाऊँगी 2 सीटी। सीटी लगने के बाद देखिए दाल कितनी अच्छी बनकर हुई है तैयार और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। डालने से दाल का टेस्ट और भी बढ़ गया है। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है और अब मैं सबको दूँगी लंच और मैंने सैलड भी काट कर रख लिया है। तो देखिए सब लोग लंच कर रहे हैं तो यहाँ ये भी लंच कर रहे हैं और मैं पूछ रही थी दाल कैसी बनी है तो बोल रहे हैं बहुत अच्छी। तो यही मेरी भी थाली रखी हुई है, आइए आप लोग भी कर लीजिए लंच। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम साई।